हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में का स्वागत है। आज के क्लास में सीखने वाले हैं लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम लोग हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और उस लिंक के सहारे हम लोग उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, उस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं जिसको हमें अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे बार बार शो करना हो। तो इसको शो करने के लिए, देखने के लिए, लिंक देने के लिए हमें आना होगा एमएस वर्ड पे। और आ जाते हैं इंसर्ट पे और देखिए इसी लिंक्स ग्रुप में पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वह दिख रहा है हाइपरलिंक। हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद से सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वह एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है। मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब किसी वेब पेजेज को जोड़ना हो या पहले से हम कोई डॉक्यूमेंट बना के रखे हो उसको जोड़ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम किसी ब्राउजर को जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कैसे डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं, उसको जोड़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें किसी ना किसी यूआरएल को कॉपी करना होगा। आ जाते हैं और आने के बाद से मैं किसी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया। और ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद से मैंने इस लिंक को जो भी यूआरएल इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद से हम आ जाएंगे यहाँ पे जो भी हमको साइट्स का लिंक देना है। तो मैंने उसका नाम लिख दिया, सपोज मान लीजिए आधार से रिलेटेड साइट्स है तो मैंने यहाँ पे आधार से रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। और इसको क्या करेंगे, अब सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहीं पे कंट्रोल के करेंगे। जैसे कंट्रोल के करेंगे तो हमारा हाइपरलिंक का यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा। अब हमको करना क्या है, ब्राउज को जोड़ना है तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे और एड्रेस में आके यूआरएल को हम पेस्ट करेंगे। और या यूआरएल को पेस्ट करने के बाद से हम कर देते इसको ओके। जैसे हम ओके करेंगे देखिए यहाँ पे इसका लिंक जनरेट हो जाएगा, दिख रहा है आपको हाईलाइट और अंडरलाइन नीचे आ गया। तो चलो जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है उसको बंद कर देते हैं यहाँ से आधार को, जिससे पता चले रियल में ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन जो चल रहा है वो ओपन हुआ है, मीटिंग वाला ओपन हुआ है। मतलब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कोई ब्राउजर ओपन नहीं हुआ है, मतलब कोई साइट ओपन नहीं हुआ है। अब मान लो हमको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अब हम काम करते गए, इक्वल कर दिया, रैंड कर दिया, ब्रैकेट को ओपन बंद किया और इतना रैंडम टेक्स्ट है, लेकिन मुझे आधार से कुछ ऐसे मैटर जो लेके आना हमको, ठीक है, उसको लेके आना है या उसके बारे में हमको पढ़ना है, जानना है, ठीक है, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो लिंक हम पहले से दिए हैं, कुछ नहीं करना है, बस जाना है। और जाने में देखो यहाँ पे मैसेज दे दिया कि अगर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक टू फॉलो वे लिंक, जो आपने लिंक दिया है कंट्रोल के साथ क्लिक करिए उस लिंक पे जाने के लिए। तो जैसे हम कंट्रोल दबाएंगे तो देखो हमारा, देखो अभी कंट्रोल छोड़ दिया तो कर्सर नॉर्मल आ रहा है, जैसे कंट्रोल दबाए हैंड आ गया, दिख रहा है आपको, छोड़ दिया कंट्रोल दबा के और इसी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे कुछ टाइम के बाद, मतलब क्विकली यहाँ पे देखो हमारा आधार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। लैंग्वेज बस बाबू, तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से लिंक कर सकते हैं। चलो और भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे सपोज मान लो पेन कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमको लिखना पड़ता है पेन कार्ड और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, यही लिंक है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया या यूआरएल एक प्रकार का लिंक ना बोलो इसे, यूआरएल है हमारा। अब हमने यहाँ पे इंटर दबाया और पेन कार्ड का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब अभी मैं इंटरनेट वाला बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, और इसको सर्च किया और सर्च करने के बाद क्या किया हमने, कंट्रोल के किया और कंट्रोल के करने के बाद फिर से कहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे, और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखो लिंक लग गया, जब भी जरूरत पड़े, चलो जो खुला हुआ है हमारा पिन कार्ड वाला ऑफिशियल वेबसाइट इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, नहीं खुला है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जाना चाहते हैं बस जाएंगे यहाँ पे
कंट्रोल के साथ क्लिक। वहां मैसेज दे रहा ना कंट्रोल वाला क्लिक, क्लिक वाला लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब कंट्रोल से दबाना है, ठीक है, क्लिक करना है, क्लिक करने वाला क्या माउस से लेफ्ट बटन हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं है केवल फॉर्म भरने से लेटे, चलो मैं यहाँ पे अगर क्रोम ब्राउजर पे आता हूँ, इसको बंद करता हूँ थोड़ा, अगर क्रोम ब्राउजर पे आ जाता हूँ, सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज हाइपरलिंक, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं केवल उसी को लिंक करेगा किसी साइट को, हाइपरलिंक, मैंने सर्च किया और इंटर दबा दिया, तो देखो इसके बारे में यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो चलो इसमें से मुझे यह वाला पढ़ना है, कौन सा वाला, यह वाला हाइपरलिंक के बारे में बताया जा रहा है, क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद से देखो इतना ऑफिशियल वेबसाइट, इसके बारे में पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सोच रहे यहीं पे आके हमको पढ़ना है बार बार इसके बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, तो क्या करोगे आप लोग, इसको इसको सेलेक्ट करिए, इस URL को कॉपी कर लीजिए और लाइए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको लिख देते हैं हाइपरलिंक केवल, और यहाँ पे आके कंट्रोल के करेंगे, फिर से ब्राउज पे आएंगे और इस लिंक को पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, लिंक लग गया। चलिए जो ऑफिस यहाँ पे खुला हुआ है इसको बंद कर देते हैं, जाना इस पे कंट्रोल बस क्लिक, ओके। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं, यह तो था ब्राउज का, नहीं नहीं ऐसा था, हाइपरलिंक देता क्यों, कॉपी करके पेस्ट कर देते तो नहीं हो पाना है यार, लिंक देना पड़ता हमको, हाइपरलिंक को बुलाना पड़ता, इसलिए इसको बनाया गया है, ऐसा नहीं URL कॉपी करके पेस्ट कर दो, क्लिक कर दे के चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं संभव हो जाएगा बाबू। क्या करा, हाँ तो उसको लिंक भेजना पड़ता, वहां पे लिखा रहा ना सेंड लिंक, या लिंक भेजते हो आप लोग ना, अरे यार जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आप शेयर का ऑप्शन हो तो उसका लिंक शेयर हो जाता है, तब तो वहां पर लिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, अब क्लिक करते तो चला जाता है, क्यों जो लिखा है हेडिंग उसको लिख दो ना, नहीं जाएगा, बात रखो ना, उसको कॉपी करके पेस्ट करो ना, नहीं जाएगा, जब शेयर करते हैं उसका लिंक शेयर हो जाता है और नीचे हाईलाइट हो जाता है, होता हाईलाइट की नहीं बोलो, अगर मान लो केवल उस वीडियो का नाम लिख दो उस पर क्लिक करो चला जाएगा, नहीं शेयर करते तो अपना लिंक जनरेट हो जाता है, कौन जनरेट करता है, यूट्यूब वाला, तो तुरंत क्लिक करते चले जाते हैं, बिना हाइपरलिंक का संभव ही नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट को हम अटैच करके और तुरंत जंप करके चले जाए, हाइपरलिंक ही काम करता है। हाँ वहां पे ऑनलाइन स्टोर होता है, हम लोग ऑफलाइन बता रहे हैं, मतलब वो प्रोग्रामर करते हैं लोग, ठीक है, यूट्यूब वाला अलग है, फेसबुक वाला अलग है, इंस्टाग्राम वाला अलग है, सबका अलग अलग, वो कंट्रोलिंग हुआ करते हैं, ठीक है, हमारे पास सुविधा दे दिया बहुत ईजी कि कॉपी लिंक कर दीजिए, कभी कभी ऑप्शन भी देता है, इसके पास नहीं, यह डॉक्यूमेंट भेजेंगे, डॉक्यूमेंट पे काम करेगा, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं बता रहे आपको, ये किसी डॉक्यूमेंट पे बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ यह डॉक्यूमेंट चला जाएगा कहीं, इस डॉक्यूमेंट को अगर पेस्ट कर देते हैं कहीं, भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं तो काम करेगा, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट इस लिंक को केवल भेजेंगे तो काम नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग टॉपिक, सबका अलग अलग मतलब होता है, ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट तैयार करे उस पर लिंक कैसे देते हैं हो जाएगा ना जी। चलो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम में हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए और नया कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस पे इस डॉक्यूमेंट का लिंक कैसे दें। तो देखो इतना मैंने बना दिया है, अब हम करेंगे क्या, इसको फाइल पे आएंगे, सेव कर देते हैं, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, किसके नाम से, तो आधार कार्ड साइट जो भी है सेव कर दिया हमने, ओके। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं यहां से, मान लो अगले दिन आए विंडो प्लस आर दबाए और एमएस वर्ड को ओपन किया, तो जो मैं आज नोट्स जो तैयार कर रहा हूं, ठीक है, वह तो मैं तैयार करूंगा ही करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जो प्रेजेंट टाइम में कल जो बनाए थे या दो चार दस दिन पहले जो बनाए थे उससे कुछ मैटर हमको देखना पड़ रहा है बार बार, या कॉपी करके पेस्ट करना है,
एक तो तरीका जाइए उसको ओपन करिए जहां पे है, और एक तरीका इसका लिंक दे दीजिए यहीं पे, जब जरूरत पड़ेगा उस लिंक पे क्लिक करिए, वो आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कॉपी करना कॉपी करिए, पेस्ट करना पेस्ट करिए, या देखना है देख से ही याद हो जाएगा, देखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसका भी लिंक दे सकते हैं। कैसे देंगे? सपोज मान लीजिए अभी आधार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में लिखा था, तो लिख देंगे आधार, फॉर एग्जाम्पल कोई जो लिख दोगे वही आएगा। ऐसा नहीं, आधार से रिलेटेड हमने जानकारी दिया है तो वही लेंगे। अब लिख दिया मैंने आधार, अब इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने बाद क्या करिए, आ जाइए कंट्रोल के कर दीजिए। कंट्रोल के करने के बाद से इस बार हम ब्राउज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, करेंट फोल्डर का, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने पीसी में जो रखे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहां पर रखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप, ठीक है, और सेलेक्ट करने बाद नीचे आएंगे और जिस नाम से हम सेव किए उसको क्लिक करेंगे। तो आधार के नाम सेव किया है ना, तो आधार कार्ड साइट्स और कर देंगे ओके। अब देखिए आधार कार्ड साइट्स का लिंक आ गया। अब मान लो हम डॉक्यूमेंट जो भी बनाना बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे जरूरत पड़ गया नहीं, जो हम पहले बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना हमको, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आएंगे यहाँ पे और कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे। तो देखो हमारा इस समय कोई फाइल खुला है क्या, नहीं खुला, एक ही खुला है, लेकिन जैसे क्लिक करेंगे एक और खुल जाएगा। Do you want to continue or will I ask? खुल गया जी डॉक्यूमेंट, जो पढ़ना है पढ़ लिया, नहीं जरूरी है फिर से क्लोज, फिर से मान लो 10 मिनट के बाद जरूरी पढ़ रहा है फिर से करिए क्लिक, यस फिर से खुल जाएगा हमारे सामने। क्लोज कैसे कर रहा है? जैसे करते हो वैसे करना है, हो जाएगा। अरे यहां से क्लिक करो, लिंक आ गया, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं चाहिए हमको पढ़ लिया, कॉपी करना है कॉपी कर लिया, नहीं जरूरी है बस क्लोज कर देंगे यहां से, जो हमारा डॉक्यूमेंट खुला हुआ रहेगा ही रहेगा। समझा जी कैसे मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? चलिए दिया तो हमारा था कि कैसे हाइपरलिंक में इन सब का इस्तेमाल करेंगे। रिसेंटली जो हम लोग यूज करते हैं वो दिखता है, रिसेंटली जो हम लोग यूज किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखता है, क्या इस्तेमाल किया है, आधार कार्ड साइट्स वाला, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग दिख रहा ना यहाँ पे, जो भी प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल किया रिसेंटली में दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिंक देना हो। अब डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक देने का मतलब क्या है, तो चलिए हम एक लिंक देख के दिखाते हैं आपको। सर ये भी तो वही था ना, हाँ जो भी नहीं बताया, वो बताया था जब सेव कर दिए थे या किसी ब्राउजर से, लेकिन यह मतलब यह जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट टाइम में खोले हो, अगर मान लो 10 पेज 15 पेज के डॉक्यूमेंट बना दिए हो और 10-15 हेडिंग है, ठीक है, उस मान लो पहले लेसन पे आपको जंप करके 10वें लेसन पे जाना है या 10वें से 5वें लेसन पे जाना है, इसी डॉक्यूमेंट में जंप करना है। वो तो नहीं कर सकते सर, वो हाँ तो नहीं कैसे पता, वहां पे लेसन नंबर पूछा जाएगा क्या, ठीक है ना, या पार्टिकुलर कोई लिंक देना हमको वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो करके दिखाते हैं आपको, बेटर तरीके से समझ आएगा। इसके लिए देखो मान लो ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है, क्या है सेलेक्ट किया इसको और कर दिया हेडिंग 1। फिर से यहाँ पे आएंगे और डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, इक्वल रैंड ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट और 50 कर दिया ब्रेकेट बंद। अब 50 मतलब 50 हमने पैराग्राफ ले लिया तो लगभग 5-6 पेज आ जाएगा, देखिए कितना पेज आ रहा है, 5 पेज आया, कोई दिक्कत नहीं। एक हम हेडिंग यहाँ पे थीम्स वाला दे दे रहे हैं, यहाँ पे पता है किस पेज पे है, चौथे पेज पे है, दूसरा हेडिंग दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक हम आ जाता है लास्ट वाले पेज पे कहीं, और 2 को मान लो हमने हेडिंग बना दिया, आपकी मर्जी जो जो हेडिंग है बना लीजिएगा, हेडिंग 3 कर दिया, इतना समझ रहा आपको। यस सर। अब इतना करने के बाद से अब हम सोच रहे हैं कि जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट्स खोले ओपन करें और जो हेडिंग है उस हेडिंग पे डायरेक्टली हम जंप करके जा सके, ठीक है, कुछ ऐसा तो डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा हेडिंग 1। कोई जरूरी नहीं है, कुछ टॉपिक का नाम लिख दीजिए, लेकिन सबसे अच्छा हमारा हेडिंग 2, और जितना हेडिंग दिया हो हेडिंग 3। अब मान लो हम आ जाते हैं हेडिंग 1 वाले पे। अब देखो डॉक्यूमेंट अगर मान लो कोई कहता तीसरे हेडिंग पे जाइए तो क्या करना पड़ेगा, ये पहला है तो नीचे आइए, या दूसरा है आप खोजते रहो कहाँ है दूसरा, फिर से नीचे आओ तो उसके बाद से तीसरा, मतलब टाइम लग रहा है ना,
मतलब ऐसे खोजने में दिक्कत हो रही है, तो हाइपरलिंक बहुत इजी ऑप्शन है जिसके सारे हम लोग लिंक दे सकते हैं। क्या करोगे, हेडिंग वन को सेलेक्ट करो, कंट्रोल के कर दो, और इस बार आ जाते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो आप बताओ हेडिंग कितना हमने दिया है, तीन। तो देखो वीडियो प्रोवाइड्स के नाम से दिया है, थीम्स के नाम दिया है, टू के नाम से दिया है। तो हेडिंग वन को हेडिंग वन से लिंक कर देते, टू को टू से लिंक कर देते, थ्री को थ्री से लिंक कर देंगे। तो चलो प्रोवाइड वीडियो पे क्लिक कर देती है, तो पहले पे है, शुरुआत में दिख रहा है। तुम सोच रहे हैं पहले को हम तीसरे से लिंक कर दें, टू से, कोई जरूर नहीं है, जो लिख दोगे वही आएगा, ठीक है ना। मैं मतलब हेडिंग वन पे क्लिक करूं तो कहां पे जाऊं? नहीं, थ्री पे। तो चलो पाले को पाले से लिंक कर देते, चलो परेशान मत हो, पाला का पाला लिंक कर दिया, कंट्रोल के सेलेक्ट हुआ तो है, ठीक है। हेडिंग टू को टू से कर दिया, और हेडिंग थ्री को हेडिंग थ्री से कर दिया, ओके। अब मान लो जब भी हमको जरूरत है हेडिंग टू के बारे में पढ़ना, तो आप ऐसे मत जाओ धीरे धीरे देखने के लिए कहाँ हेडिंग टू है। बस आप करोगे क्या, बस उसी हेडिंग टू पे आओगे और क्लिक कर दोगे, हो गया। अब मान लो फिर से हमको क्या करना है, तीसरे पे जाना है, तो तीसरे पे जाने के लिए तीसरे वाले पे क्लिक, जंप तीसरे वाले पे, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप लिंक कैसे करना चाहते हो। अगर इसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना है तो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, अगर उसमें नहीं करना है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा, इस्तेमाल मत कीजिएगा, हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट, लेकिन एक और ऑप्शन उसमें दिया था, क्या था, बुक मार्क, ठीक है। आपको बुक मार्क का मतलब क्या है, तो पहले बुक मार्क हमको लगाना पड़ेगा, जब तक बुक मार्क लगाएंगे नहीं तब तक आपको बता नहीं सकते। तो देखिए इसी के नीचे एक ऑप्शन है बुक मार्क, ठीक है आपको। अब देखिए बुक मार्क करता क्या है, आप लोग कभी बुक में मार्क लगाए हो, बुक में मार्क लगाए हो, क्यों लगाते हो जी? अगर मान लो कोई बुक पढ़ते हो तो कोई इंपोर्टेंट हेडिंग रहता है उसमें मार्क लगा देते हो, ठीक है। लेकिन कई सारे लोग तरीका अलग अलग अपनाते हैं, कई लोग मार्क ऐसे लगाते हैं पेज को मोड़ देते हैं, ठीक है, तुरंत जाते हैं वहीं से ओपन कर लेते हैं, कई लोग लास्ट जहां तक पढ़े थे बीच में पेन डाल दिया उसमें जाएंगे तो ओपन कर लेंगे, या अगर कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग क्या करते हैं अपनाते हैं कि अगले दिन आए हैं तो फिर से वही प्रोसेस ना करना पड़े जो स्टार्टिंग में किए थे, बार बार खोजना ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बुक में मार्क लगा देते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कर देते हो। अगर कंप्यूटर में ही ऐसा करना हो कि आज मैं कहां तक पढ़ा था, कल वहीं से हमको पढ़ना है, या कल हमको यह टॉपिक सर से पूछना है, ठीक है, तो कल आके क्लास में खोजना ना पड़े, कोई ऐसा तरीका हमको बता दीजिए कि बस उस पर क्लिक करें तो उसी पे लेके जाए जो हम पूछना चाहते हैं या जहां से हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए बुक में मार्क लगाया जा सकता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बुक मार्क। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हो, अगर जिस हेडिंग को मार्क दे दोगे या जिस वर्ड को मार्क दे दोगे, ठीक है, वह मार्क ऐड हो जाएगा। अगले दिन आओगे तो ऐसा उसमें फीचर्स दिया गया है कि बस उस ऑप्शन पे क्लिक करो, अब गो टू कर लो, गो टू जैसे करोगे तुरंत जंप करके चले जाओगे जहां तक आपने कल पढ़ा था। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो बुक मार्क। अब बुक मार्क लगाएंगे कैसे, ठीक है, तो जैसे अभी तक लगाए थे तो वैसे लगाएंगे, लेकिन बुक मार्क लगाने के बाद हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो हाइपरलिंक में बुक मार्क का बहुत ही कम यूज है, क्यों, क्योंकि बुक मार्क में भी ऑप्शन दिया है गो टू का, और हाइपरलिंक में भी ऑप्शन दिया है कि क्लिक करिए जाइए, आपके ऊपर है सुविधाजनक कौन सा है, ठीक है। तो चलो मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों में से जो इस्तेमाल करना है कर लीजिएगा। तो हम मार्क लगा देते हैं, इस बार कोई हेडिंग भी नहीं दिया हमने, कल हमने जो पढ़ा था वह पढ़ा था लगभग कहाँ तक, रीडिंग तक, यही से हमको पढ़ना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा बुक मार्क नेम, ठीक है, तो नेम जो भी हमारा है तो जहां तक पढ़ा था वही नाम दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, और कर देंगे यहां से ऐड, ऐड कर दिया इस लिंक को। अब देखो अगले दिन कभी भी आते हो डॉक्यूमेंट्स को खोलोगे और वही उसी हेडिंग पे पढ़ना है, जानना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो बुक मार्क पे क्लिक करिए और यहीं पे ऑप्शन आता क्या, गो टू। बस क्या करेंगे हम लोग, गो टू कर देंगे, देखो जंप करके वहीं पे जाएंगे।
आ गए। चलो एक और बुक मार्क, ऐसा नहीं है एक और लगा सकते हो, मान लो उसके अगले दिन यहां तक पढ़ा था तो सेलेक्ट बुक मार्क कहां तक पढ़ा था, सेव तक हमने ऐड कर दिया। फिर से अगले दिन कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नीचे है हमें वहां पे जाना चाहते हैं तो बुक मार्क सेव गो टू क्लोज आ गए। ऐसे काम करता बुक मार्क, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल बुक पे मार्क लगाना तो कुछ ना कुछ लगाते हैं रखते हैं तब पता चलता है, खोजना पड़ता है या पेज नंबर याद करते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। चलो यही बुक मार्क अब शो होगा किसमें, हाइपरलिंक में। जब तक बुक मार्क नहीं लगाए थे तब नहीं शो हो रहा था, अब जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे ना, देखिए पहले बुक मार्क खाली था, अब देखो ऑप्शन आ गया, अब इसका लिंक हमको देना है तो यहाँ पे रीडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, रीडिंग आ गया, फिर से आ जाएंगे, कुछ नहीं लिखना वैसे लिंक कर सकते हो। फिर हाइपरलिंक सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, दोनों का लिंक जनरेट हो गया। अब आपको सेव पे जाना है तो क्या करोगे, सेव पे क्लिक, बस आगे सेव पे देखिए कर्सर यहां पे जंप कर, ठीक है बाबू। तो ऐसे हम लोग हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को आसानी तरीके से देखते हैं। चलिए अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वो अब इजी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला हाइपरलिंक में क्या है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब हम सोच रहे हैं नया डॉक्यूमेंट ऐसा लिंक दे दें कि जब भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो क्लिक कर दे तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, तो यह बहुत ही यूजफुल नहीं रहता मेरे हिसाब से। कहोगे सर क्यों, क्योंकि मान लो हम काम कर रहे हैं और यहीं से नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो बस कंट्रोल एन दबाएंगे तो नया ओपन हो जाएगा, एक तरीका यह है। और एक तरीका इतना करने के लिए आप लिखिए न्यू, फिर सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के करिए, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए और फिर से लिखिए न्यू, इतना टाइम लगेगा। और कर देते एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, उन्होंने बोला एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, जब हम क्लिक करें तब नया डॉक्यूमेंट खुले, ओके कर दिए यहाँ पे नाम क्या दिया, न्यू या URL, ठीक तो है, क्यों करने नहीं दे रहे यहाँ पे नाम, नहीं होगा क्या, कर रहा नहीं होगा, न्यू डॉक्यूमेंट ठीक है हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिंक लग गया ना, बस क्लिक करेंगे क्या, ऐसे क्लिक करना होगा, यस। कितना लंबा प्रोसेस ना करने का मतलब क्या है, आप बस कहीं रहिए और कंट्रोल या दबाइए। इसलिए मुझे लगता है कि यार सॉफ्टवेयर में दिया उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन वह है ईमेल एड्रेस, अगर किसी ईमेल को लिंक करना है तो आप ईमेल को लिंक कर सकते हो और जंप करके जा सकते हो, बतिया लो आप लोग क्या दिक्कत, ज्यादा पढ़ लिया अब, ठीक है ओवर हो जाता है तुम लोग को, मैं बताना हो तो बता देता, हाइपरलिंक का यूज क्या है और एक पहला ऑप्शन बता देता, डिस्कस भी नहीं करते, पूछते भी नहीं चले जाते आराम से, तो उसमें ऑप्शन एक एक ऑप्शन के बारे में क्यों बताएं कि यूजफुल है, कहीं भी कोई पूछ सकता है, ठीक है। कई सारे लोग पढ़ाते हैं तो नॉर्मल बहुत बता दे हाइपरलिंक क्या करता है, ठीक है, और छोड़ देते हैं लोग, ठीक है, दिक्कत वही होती है, आगे पूछ देगा इसका क्या मतलब है बताओ और करके हमको दिखाओ, ठीक है, तो उसमें परेशान रहोगे, बतिया लो क्या दिक्कत है, ज्यादा हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा ईमेल एड्रेस है, मतलब किसी ईमेल एड्रेस को लिंक करना है तो लिंक कर सकते हो, जैसे हम लोग मान लो जाते हैं ईमेल आईडी को ओपन करना है तो क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं, जीमेल पे क्लिक करते हैं और जीमेल पे क्लिक करने वास्ते तब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, खुलता है ना, वैसे हम चाहेंगे तो अपने ईमेल आईडी का लिंक दे सकते हैं यहाँ से और जंप करके उस लिंक से जाके क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं और यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और अपने जीमेल आईडी को ओपन कर सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा यूजफुल था वो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला था, थर्ड बुक अभी इसको इस्तेमाल करना तो मुझे लगता है प्रोसेस दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पे भी ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, वहां पे भी हमको डालना पड़ेगा, पासवर्ड वहां पे भी डालना पड़ेगा और यहाँ से करेंगे तो भी पासवर्ड डालना होगा। चलो मैं लिंक करके दिखा देता हूँ आपको, इसके लिए बहुत सिंपल है, हम आ जाते हैं और अपना जीमेल आईडी लिख देते हैं, हम
मैंने जीमेल आईडी टाइप किया, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से हम कंट्रोल के कर लेंगे और एड्रेस, एड्रेस में हम इसी ईमेल एड्रेस को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नहीं कॉपी तो नहीं किया था ना, इसको कॉपी करना पड़ेगा, इसको कॉपी, ठीक है, फिर सब सेलेक्ट, फिर से कंट्रोल के, ईमेल, अब इसका ईमेल एड्रेस पेस्ट, दिख रहा ना, और कर देंगे ओके, लिंक जनरेट हो गए। देखिए यहाँ पे देखो लिंक जनरेट हो गया। अब बस क्या करेंगे, क्लिक मेल बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें किसे मेल करना है, आउटलुक से या याहू से, गूगल से, किसे करना है, तो गूगल से करना है, क्लिक करेंगे। याहू पे अकाउंट बना रहे तब ना करोगे, वैसे कैसे कर दोगे। या ईमेल आईडी नेक्स्ट करोगे, पासवर्ड, ईमेल आईडी डाल दिया, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डाल दिया, वही प्रोसेस है, पासवर्ड डालेंगे ओपन हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। तो यह हमने आज के क्लास में सीखा हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे करेंगे। तो एक एक ऑप्शन के बारे में सीखिएगा, पहला इस्तेमाल करके देखिएगा, दूसरा इस्तेमाल करके देखिएगा, तीसरा, तब चौथा, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, समझ समझ के कीजिएगा। जहां पे कोई डाउट है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी लैब टीचर से पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो, ठीक है, और वहां पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कल हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे उसको। आज के लिए बस इतना है।